होटल। आज मेरा है थर्ड डे मथुरा में, तो आज मैं आई हूँ जन्मभूमि एंड द्वारका दीप, ये दो जगह मैं विजिट करने वाली हूँ। अभी मैं जसनाव पहुँच चुकी हूँ जन्मभूमि, अब मैं दिखा भी देती हूँ। आज से अभी से स्टार्ट हो रहा है ये वाला ब्लॉग। एंड लुक एट दिस, ये पीछे की साइड देख रहे हो, वहाँ पे जो दरवाजा है ना, जो मंदिर वाला टेम्पल वाला दरवाजा है, वो है जन्मभूमि का गेट, तो वहाँ से एंट्री है। तो अभी यहाँ पे पीछे की साइड देख रहे हो, ये पोतरा कुंड है, जन्मभूमि के बाहर में है यहाँ पे ये वाला जो कुंड है, ये पोतरा कुंड है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो अभी हम जन्मभूमि की गलियों में घूम रहे हैं। इसने भी एक टूरिस्ट देख लिया। यहाँ पे देखो ब्रजवासी पेड़ा वाला, ये फेमस होगा पक्का, ब्रजवासी तो है, ये लोकल है। अब हाँ, वहाँ से हम ले भी लेंगे ना, यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे। ये तो राधिका से लेंगे। काफी अच्छे अच्छे कपड़े हैं यार यहाँ पे, तो ये वाले कपड़े यहाँ पे महंगे आते हैं, हमारे नोएडा में सस्ते आएंगे। सेम भूमि का मेन गेट यहाँ से स्टार्ट है, श्री कृष्ण जन्मभूमि, और यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। और यहाँ पे ना सिक्योरिटी काफी ठीक ठाक हो रखी है। एंट्री करने के बाद ना बहुत सारी मार्केट दिखाई देती है, बहुत बड़ी मार्केट दिखाई देती है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, काफी ज्यादा भीड़ है। आप लोग देख रहे हो ना आगे के साइड, एंड इस टाइप की छोटी मोटी मार्केट जहाँ पे आपको कपड़े लेने बच्चों के लिए, अपने लिए ऐसे कपड़े भी दिखाई दे जाएंगे, और खाने के लिए भी बहुत सारे भोजनालय हैं। और रोड ना काफी बड़ी बड़ी है, देख पा रहे हो आप लोग ऑलरेडी। सनी धर्मशाला, यहाँ पे धर्मशाला भी है जहाँ पे आप रह सकते हो, होटल्स भी हैं यहाँ पे। कपड़े मिल जाएंगे फॉर सेल, 150 रुपए की स्कर्ट मिल रही है, काफी अच्छी कलेक्शन है यार। ब्लू वाली देख मामी, कितनी ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल कलेक्शन। 100 रुपए के राधे वाले दुपट्टे, 100 रुपए के राधे वाले दुपट्टे भी मिल रहे हैं, बच्चों के कपड़े भी मिल रहे हैं, पूरा सेट भी मिल रहा है, लेने नहीं है। ये है जन्मभूमि का मेन दरवाजा, यहाँ से होगी एंट्री। एंड काम मिला दे, चलो अब अंदर चल रहे हैं, ये महिला का यहाँ से हो रही एंट्री। यहाँ पे ना फोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे ये सब कुछ जमा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये लेडीज का है, उधर जेंट्स का है, तो यहाँ पे हम लोग जमा कर। वीडियो यहीं तक रहेगी, उसके बाद बाहर आके बताऊंगी अंदर क्या है। हमारा फोन, और यहाँ से हो रही है एंट्री महिलाओं की, यहाँ से यहाँ से एंट्री हो रही है, और ये है मेन गेट, और इसके अंदर फोन नहीं ले जा सकते, तो इस वजह से मैं ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊंगी, और इंटरनेट पर भी ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। जब मैं बाहर आ गई, ये निकास द्वार है, यहाँ से है भोजनालय है। तो अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, यहाँ पे ना बगल में भोजनालय है, वहाँ पे आए, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 100 रुपये पर थाली आपको ऐसी टिकट मिलेगी, नीचे रिसेप्शन पे लेना है टिकट, देन ऊपर आ जाना है, बस इतना सा है। और काफ़ी खाना भी मैं दिखा दूँगी, खाना भी हमें पकाया नहीं, कैसा है, टेस्टी है नहीं है वो बता देंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा था, तो आई रियली रिकमेंड दिस। देखो कितने बारीकियों से घर बनवाया गया है, इट्स लुक अमेजिंग, कितनी सुंदर जगह है यार। यहाँ पे ना हर एक घर इतना ऑथेंटिक और प्यारा है, नो डाउट, बहुत प्यारा घर है, यहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर जगह पर रहूँगी मैं भी। राइट नाउ आई एम इन विश्राम घाट, यहाँ से विश्राम घाट की एंट्री है, तो यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, यहाँ पे एक मंदिर भी है हनुमान जी का, छोटा सा प्यारा सा, ये यहाँ से घाट की एंट्री। विश्राम घाट यहाँ से है एंट्री, एंड यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, एंड यहाँ के भी मंदिरों पे आप देख रहे हो कुछ ना कुछ हर एक पत्थर पे लिखा हुआ है। लुक एट दिस, ये छोटे छोटे मंदिर है, मम्मी को लग लिया ही, जय हो मेरे शिवलिंग भगवान, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, यू गाइस हैव टू कम हियर, लुक एट दिस। हाँ जी,
कुछ भी कहा मारने जा रहे हैं, ज़्यादा बड़ा राउंड नहीं, फिर हम चले जाएंगे उधर की साइड। हाँ जी, ये है व्यू। सो यहाँ से एंट्री हो रही है द्वारकाधीश मंदिर की। वहाँ पे फोन अलाउड नहीं था तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। ये है द्वारकाधीश मंदिर। महिलाओं की लाइन है एंड ये होली की वजह से कवर कर दिया गया से एग्जिट होगी। ये है होली गेट, यहाँ से एंट्री और एग्जिट लेनी है। काफी सुंदर है यार ये।